फ्रेंड, आज मैं आपको लेकर के चल रही हूँ सेंटा क्रूज में स्थित लायंस जुहू म्यूनसिपल चिल्ड्रन पार्क, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और पार्क में जाने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और ये काफ़ी अच्छा पार्क है, आपके बच्चे काफ़ी इंजॉय करेंगे यहाँ पर। और लॉकडाउन के बाद जो है, और बहुत सारे पार्क अभी तक खुले नहीं हैं मुंबई में, लेकिन ये पार्क खुल चुका है। तो फ्रेंड, वीडियो देखने से पहले ही आप इसे शेयर कर दें, क्योंकि जो पेरेंट्स परेशान हैं, उनके बच्चे काफ़ी दिनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो बहुत बोर हो रहे हैं, तो वो अपने बच्चे को लेकर के इस पार्क में आ सकते हैं और बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाएंगे और पेरेंट्स को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। तो चले देखते हैं कि क्या क्या आप देख सकते हैं ये पार्क में। गांव वाली फीलिंग भी आपके बच्चे को आएगी, क्योंकि ये पार्क में पेड़ वगैरह है, तो वो पेड़ पर चढ़ेंगे, झूला झूलेंगे, मिट्टी में खेलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मिट्टी में खेले और घास पे चले, तो वो सब पॉसिबल नहीं हो पाता यहाँ पर। लेकिन देखिए ये लोग किस तरीके से मिट्टी में खेल रहे हैं बच्चे, और चप्पल वगैरह कितने बच्चे ने खोल के रखा है झूला पर चलने के लिए, तो बहुत ही इन्हें मज़ा आ रहा है। और काफ़ी नज़दीक से यहाँ पर फ्लाइट होती है, बच्चे लोग उसे भी देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं। और ये झूला वगैरह दिया गया है बच्चे के लिए, जिस पर आपके बच्चे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत बड़ा झूला नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी है। और देखिए हमारी बेटी भी चढ़ चुकी है, तस्मिया भी चढ़ गए, और किस्मत ये तो आगे देखिएगा कि ये कितना बदमाशी करती है, बहुत बदमाश है। और देखिए लोग उतर रहे हैं, काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, तो आप ये गार्डन में भी ला सकते हैं। मैं पूरा गार्डन आपको बताऊंगी, कोशिश करूंगी वीडियो में बताने का। देखिए किस तरीके से बच्चे को इंजॉय कर रहे हैं, और माँ बाप लेकर के आते हैं और बच्चे इंजॉय करते हैं, और माँ बाप भी सुकून से शांति से घास को दूधी पियाने की बैठ के रहते हैं। चलिए इस्मत का फरमाइश है कि दूसरे झूला पर जाया जाए, तो चलिए अब हम उसको लेकर के जा रहे हैं। देखिए ये लोग कैसे भाग दौड़ कर रहे हैं सारे बच्चे। घर में तो बिल्कुल भी भागने दौड़ने का जगह नहीं मिलता कि बच्चे दौड़े और भागे। गांव के जैसा मुंबई में बहुत काफ़ी जो है बड़ी बड़े घर नहीं होते हैं। तो ये देखिए ये वाला झूला भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर जो है बच्चे को अच्छा बैलेंस जो है वो कर पाती है अपने में, कि किस तरीके से वो बैलेंस करना चाहिए। ये देखिए काफ़ी पतला सीढ़ी जैसा बना हुआ है, कुछ खड़े होकर के जा रहे हैं, कुछ बैठ करके जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप अपने बच्चे को भी लेकर के आएंगे तो वो थोड़े से एक्टिव होंगे। आजकल के बच्चे जो है खुद घर में सिर्फ गेम और मोबाइल लेकर के पड़े होते हैं, तो वो ठीक नहीं है, बच्चों के सेहत के लिए ठीक नहीं है। बच्चे का मतलब ये कि थोड़ा बहुत उन्हें उछलना कूदना खेलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर घर में सिर्फ गेम और मोबाइल और कंप्यूटर के सहारे अपने बच्चे को ना छोड़े, इस तरीके से थोड़ा सा उन्हें जो है एक्टिविटी भी करना चाहिए, थोड़ी सी मस्ती भी करनी चाहिए, ताकि वो एक्टिव रह सके। और ये सब काफ़ी ज़रूरी है, तो कम से कम महीना दो महीना छः महीना में एक बार तो ले करके जाए, ताकि आपके बच्चे भी एक्टिव बने। और गेम और मोबाइल ने तो बच्चे को जो इतना ये करके रखा है कि आजकल के बच्चे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो देखिए ये सब काफ़ी अच्छा है आपके बच्चे के लिए। और ये देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, एरोप्लेन जैसा एक बना हुआ है, ये आर्टिफिशियल है लेकिन सेम प्लेन के जैसा है, तो इसके ऊपर भी जाते हैं बच्चे। लेकिन ये बच्चे लोग जो है और बड़े लोग भी जा कर के बैठते हैं। ये काफ़ी पुराना है, तो अंदर से ये टूटा हुआ है, सीट वगैरह इसका सही नहीं है, लेकिन बच्चे लोग चढ़ते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको अंदर, क्योंकि बच्चे लोग जो है खाते हैं पीते हैं, अंदर ही फेंक देते हैं, कचरा कर देते हैं। तो ये देखिए सीट वगैरह इसका टूटा हुआ है और काफ़ी कचरा भी है, लेकिन इन लोग भी जाकर के बैठ गए हैं। और ये देखिए ये तो इसके अंदर से घुसने का कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड, अगर आप किसी गार्डन या पार्क में जाते हैं बच्चों के साथ, तो आपका भी बचपना जो है वापस लौट आता है। देखिए कितने सारे पेरेंट्स भी है बच्चे के साथ, ये एरोप्लेन में जो आर्टिफिशियल बना हुआ है उसमें घुस जाते हैं और वो भी एंजॉय करते हैं।
तो अपना भी बचपना याद आ जाता है और हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लगता है गार्डन में या कोई पार्क में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए बना है तो सिर्फ बच्चे को ही पसंद आता है। ये देखिए छोटे बच्चे किस तरीके से झूला झूल रहे हैं। वो झूला जो आपने देखा था वो मेरा भी फेवरेट झूला है और इधर एक्सरसाइज करने का बना हुआ है, तो जो कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए ये लड़का कितना मस्त एक्सरसाइज कर रहा है, ये अच्छा खासा पैर का एक्सरसाइज हो पा रहा है तो काफ़ी अच्छा है। जिनको एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। काफ़ी सारा जो है बनाया गया है तो, और वॉकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर कोई मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए आए तो पार्क ऐसे मॉर्निंग और इवनिंग में भी खुला होता है। और देखिए लोग तो जा रहे हैं, उनका सपना है कि वो पेड़ पर चढ़े, इनको दिख गया है सामने पेड़। तो आप बच्चे को चढ़ने दें लेकिन आप यहाँ पर खड़े रहे कि अगर कुछ फिसल वगैरह गए तो आप उनको संभाल सके, क्योंकि पहला पहला बार हो तो गांव का बच्चा प्रैक्टिस करते रहते हैं लेकिन बच्चे खेलते कूदते पेड़ पर चढ़ते उछलते कूदते बड़े हो जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से हमारी दसवियाँ चढ़ रही है पेड़ के ऊपर, और ये भी शायद पहली बार चढ़ रही होगी। ऐसा नहीं है कि इनको प्रैक्टिस है, ये भी पहली बार चढ़ रही है। मेरी बेटी भी पहली बार ही चढ़ रही है। इनका तो सपना था कि, और टीवी वगैरह में देखती थी कि हाँ जंगल है पेड़ है तो हमको परेशान करके रखती थी, माँ हमको पेड़ पर चढ़ना है गाँव लेकर के चलो। लेकिन आज फाइनली इसका सपना पूरा हो गया है। ये काफ़ी खुश है लेकिन आपको इसके चेहरे पर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये थक चुकी है, बहुत खेली है बहुत, मैं तो उतना सूट नहीं कर पाई। एक काफ़ी मोटा सा पेड़ है और झाड़ जिसको बोलते हैं, बहुत मोटा झाड़ है और उसके ऊपर भी ये लोग काफ़ी ऊंचाई तक गए लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। लेकिन हमने फ़ोटो लिया है तो मैं वो फ़ोटो लगा दूंगी। वो आम का पेड़ है या क्या चीज़ का पेड़ है मुझे नहीं मालूम। फ्रेंड अगर आपको मालूम होगा कि वो क्या चीज़ का पेड़ है तो आप कमेंट करें, क्योंकि मुझे तो लगा कि शायद आम का है और पता नहीं, लेकिन काफ़ी ऊँचा पेड़ था। तो रिफत जो है काफ़ी दूर तक गई, इसमत तो डर रही थी क्योंकि वो काफ़ी मोटा था जो पेड़ था उसको डर लग रहा था, लेकिन रिफत काफ़ी ऊंचाई तक गई है। तो मैं फ़ोटो लगा दूंगी, आप फ़ोटो देख करके हमें बताइएगा कि वो क्या चीज़ का पेड़ है। और ये वीडियो को ना फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो पेरेंट्स नहीं मालूम है उनको कि पार्क खुला है कि नहीं तो उनको पता चल जाए, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे ऐसे गार्डन हैं जो बंद है अभी खुले नहीं हैं। और ये जो पार्क है खुल चुका है चिल्ड्रन पार्क, तो ये सेंटा क्रूज में है, जुहू के बाजू में ही है। तो मुंबई से मुंबई वाले या मुंबई के नज़दीक वाले यहाँ पर आ सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें ताकि पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के आए। लॉकडाउन के बाद जो है बच्चे काफ़ी बोर हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।